और सामने ऋतिक रोशन एंड आप मेन विलन कर रहे हो. डिसिप्लिन ऋतिक सर से तो आई वुड से डिसिप्लिन इज की. जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया प्रॉपर किसी फिल्म का तब मुझे लगा था मेरे को बोलना नहीं आता. आई मीन पता नहीं किस सेंस में कंपेयर कर रहे हैं बट मुझे मेरी जॉ लाइन बहुत अच्छी लगती है. आई लाइक इट बिकॉज इट्स शार्प एंड इट यू नो. जब मैं कास्टिंग कर रहा था ऑफिस में आई डोंट रिमेम्बर कौन थे एक्टर्स, उन्होंने आके बोला आप बस हमें कोई प्रोजेक्ट दिलवाओ हम पैसे देने को तैयार हैं. लाइक भाई ऐसे नहीं होता. इट्स लाइक जैसे स्कूल में बुली करते थे नाउ इट्स आउट देयर इन द ओपन ऑन सोशल मीडिया. ग्रैटिट्यूड के साथ जीना आई फील इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ. Hi, hello and welcome. I'm Nitin और हमारे साथ यहाँ पे there's this very handsome man जो कि आया मुंबई में लिखने अपनी एक अलग blockbuster कहानी. Give it up for Rishabh Sahani. Welcome, welcome, welcome. Hey bro, how are you? All good यार, amazing and you too handsome यार. Oh God's grace bro. Right. ऐसा तो नहीं कि वो ऋतिक के साथ fighter में रहते रहते थोड़ा और handsome था इधर आ गई? नहीं यार. It has always been there. It's no bro, it's not always been there. Ever since I think I started working out, tab se hua hai. Because working out will change how you look. So before I started, I was like 120 kgs. This I'm talking 10 years back. Yeah. But still? Yeah, I was 120 kgs at that time. Once I started working out, getting into the details, getting, you know, focusing on different nutrition, different working out styles. So overall, karte karte, it just kept making me sharper. Right. That's what I feel. Talking about sharpness. वो जॉ लाइन की शार्पनेस की बात हो रही है और सोशल मीडिया पे तो रातों रात चीजें ट्रेंड कर जाती हैं. मुंडा शर्मा आ रहा है ऑलरेडी. आई मीन पता नहीं किस सेंस में कंपेयर कर रहे हैं बट मुझे मेरी जॉ लाइन बहुत अच्छी लगती है. आई लाइक इट बिकॉज इट्स शार्प एंड इट यू नो बट आई डोंट नो व्हाई दे आर कंपेयरिंग. पर्सनली आई डिडंट फील दैट वी आर लुकिंग अलाइक और समथिंग. राइट. But what is his choice? Yeah, you saw the memes and all. Yeah, of course. Your friends are sharing it with. 5,000 people have shared it with me since two days. Right. So, I mean, yeah, whatever. Social media is crazy, right? Social media is crazy. I mean, it's like someone wants to do something, जिससे उसको खुशी मिलेगी और लोग पागल बना के बैठ जाते हैं. It's like जैसे स्कूल में बुली करते थे, now it's out there in the open on social media. क्या अच्छी चीज क्या सुनने को मिली when you did fighter? बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिली यार. Majorly, first thing, the foremost thing would be that people have not seen such a debut in the longest time, and people have not seen such a villainous character. You know, some people have told me that this will stay with them for a while. So it's that kind of a character, and I think the best compliment I got was from a couple of people that my performance reminded them of Amrish Puri sir. Wow. And Steven Spielberg called him the greatest villain of all time. So अच्छा ही अच्छा सुनने को मिल रहा है. Iconic है ना? Oh yes. मतलब वो villains का time होता था जब कहते थे यार वो villain आया है, वो entry हुई है. इस बार हुआ है वो यार? Fighter में हुआ? I hope bro. When I got the role for the villain, so I always had this fascination कि यार पुराने बॉलीवुड में लाइक आप मुगैम्बो देख लो, आप शाकाल देख लो, आप गब्बर देख लो, ऑल थ्री ऑफ देम आर स्टिल टिल डेट पीपल टॉक अबाउट देम बिकॉज दे आर आइकॉनिक विलन्स एंड दे बीन इंटरेस्टिंग. इवन इफ यू लुक एट इंटरनेशनल फिल्म्स विलन्स ऑलवेज हैव एन इंटरेस्टिंग आर्क. सो आई वाज रियली एक्साइटेड मैन टू प्ले अ विलन इन दिस फिल्म. राइट. एंड या लाइक आई एम ग्लैड दैट आई वाज एबल टू डू जस्टिस टू इट. दिल्ली का मुंडा मुंबई आता है, शुरुआत में कैसा था? हाउ वाज इट फॉर यू? ऑल न्यू. हां, ऑल न्यू. यू न्यू समवन इन द इंडस्ट्री पहले से? कोई जान पहचान थी? एक दोस्त था मेरा जो खुद एक्टर है एंड ही वाज डूइंग थिएटर एट दैट टाइम. सो ही मैं आया था तो मैं उसी के पास आया था. आई स्टेड विद हिम इन द बिगिनिंग. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द होल थिएटर सर्किट एंड एवरीथिंग. पहले लाइक जब मैं आया था मैं घर पे बात करके आया था कि एक साल ट्राई करके आते हैं क्या होता है, लेट्स सी. तो मैं आया, 6-8 महीने तक तो कोई ऑडिशन ही नहीं हो रहे थे. आई मीन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ऑडिशन देना का. मैं रोज आरामनगर जाता था बैग लेके, हर वो यू नो लुक फिट हो रहा है, लुक फिट हो रहा है, वो सब किया है एक साल. तब मैंने घर पे कॉल करके बोला यार अभी तो टाइम लगेगा. बट क्योंकि मैं इस टाइम पे थिएटर कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था, तो मेरे को इतना रियलाइज हो गया था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ लाइफ लॉन्ग. तो दैट्स व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स आल्सो दैट आई वांट टू गिव इट सम मोर टाइम. एंड बस फिर वहाँ थिएटर से शुरू हुआ. थिएटर में आई वॉज डूइंग जंगल बुक करके एक प्ले है एंड वो करते करते समवन स्पॉटेड मी एंड स्टार्टेड गिविंग मी मॉडलिंग जॉब्स. तो वहाँ से मॉडलिंग स्टार्टेड एंड वहाँ से देन आई कंटिन्यूअसली फॉर आई थिंक 2.5-3 ईयर्स आई वॉज कंटिन्यूअसली मॉडलिंग. आई वॉज शूटिंग फॉर लाइक 15-14 डेज अ मंथ.
तो अच्छा खर्चा भी निकल रहा था एंड आई वाज वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कैमरा एक्सपोजर आल्सो गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड स्टफ तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड पढ़ाई लिखाई की बात करें ऑफ कोर्स वी ऑल से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद आके जो भी आपको करना है सिविल इंजीनियरिंग वहां से यहां तक एक्टिंग शुरू से करनी थी वाज इट वर यू डूइंग दैट कोर्स से अपना वो जो पढ़ाई लिखाई घर वालों के लिए एक्टिंग तो नहीं करनी थी शुरू से एक्टिंग बहुत सडन प्लान था एक्चुअली ये जो मैंने आपको बोला मेरा दोस्त बॉम्बे में रहता था जब भी ये दिल्ली आता था ये मुझे मेरे घर पे रहता था तो ये मेरे को हर बार ही बोलता था ब्रो तेरे को बॉम्बे आना चाहिए यू आर स्मार्ट इनफ यू विल गेट वर्क उस टाइम पे मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था एंड आई वाज लाइक मेरे को दिल्ली में रहना ही नहीं है तो मैंने बोला ठीक है अब ये बोल रहा है आउट ऑफ द ब्लू इसने 3-4 बार ही बोल दिया मे बी कुछ क्लिक हो जाए वहाँ जाके एंड देन आई केम हियर तो वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो मैं तो सोच के मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं थी एक्टिंग के बारे में एंड आई वाज लाइक कि यार क्या है लाइन्स बोलनी है कैमरा के आगे जाके जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया प्रॉपर किसी फिल्म का तब मुझे लगा था मेरे को बोलना नहीं आता मैं भूल गया था बात कैसे करनी है एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त सीखनी पड़ेगी तो उसके बाद से मैं कोर्सेज करते गया एंड दैट इज हाउ नो बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग दैट यू डिड वो क्या वो मतलब सीरियसली कुछ था नहीं उस टाइम पे आई डिडंट नो व्हाट टू डू आई वाज अ लिटिल स्लाइटली इंक्लिनेशन था स्लाइट इंक्लिनेशन टू डू लॉ बट एक दिन ऐसे ही घर वालों के साथ बैठे थे बात चल रही थी उन्होंने पूछा क्या करना है मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ लॉ कर लेता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है लॉ भी बढ़िया है बट देख ले इंजीनियरिंग कर सकता है तो 2010 की बात है उस टाइम पे तो इंजीनियरिंग वॉज किंग मैंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग कर लेता हूँ ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि इतना कुछ वो नहीं था मेरे को कभी ऐसे नहीं लगता था कि यार मेरे लिए लॉ डिफिकल्ट होगी या इंजीनियरिंग डिफिकल्ट होगी एंट्रेंस दिया एक 3-4-5-6 कॉलेजेस का एक कॉलेज में हुआ चला गया वहाँ पर ये है कहानी देखो पढ़ाई लिखाई करते करते यहाँ पे किसी ने बोल दिया लोग जूते घिसते रह जाते हैं भाई मतलब उनको मौका नहीं मिलता मुझे बोलो लक कितना जरूरी होता है तो जूते मैंने भी घिसे हैं यहाँ के यार 6 साल इट्स बीन 6 इयर्स आई एम हियर स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्शन वगैरह हुए हैं और बहुत बारी फाइनलाइज होते होते रह गए बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन It was a big surprise. Luck is wohi main aa raha tha uspe. So I feel luck is a very important factor. But it's matlab stages hai. Aapne audition diya, first audition diya. 1-2 lakh logon ne wo audition diya. Wahan luck ka koi kaam nahi hai. Wahan aapka talent aur aapka skill hai. Phir aapne second round of audition diya jahan pe probably 200 logon ne audition diya ho, 100 logon ne diya ho. Wahan bhi luck kuch kaam nahi aayega bro. It's only in the top 3 when you reach the top 3 or top 4 you know jinme se ki final selection hona hai that is where luck comes into play actually uske pehle luck ka koi kaam nahi hai uske pehle is just mostly your hard work and how you navigate through life I'll come to fighter lekin usse pehle mere ko ye bolo kon kon se kuch aisa yaad hai jahan pe reject hue the aur ye hua ki yaar I was disheartened ki bro kya kar raha hai acha khasa hote reh gaya ha yaar 3-4 bar hua hai matlab you know jab aap ऑडिशन देते हो उसके बाद राउंड्स होते हैं फाइनल राउंड मोस्ट ऑफ द उसका यही रहता है डायरेक्टर के साथ कॉल रहता है तो मेरा 3-4 बार कोई ऐसी बड़ी वाली पिक्चर बड़ी वाली तो नहीं ब्रो मैंने इतने बड़े पार्ट के लिए इतनी बड़ी फिल्म के लिए फाइटर से पहले टेस्ट किया नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को भी था कि मेरे को स्टार्ट नहीं करना कोई छोटे कैरेक्टर से दिस हैपेंड विद मी इन वेब सीरीज 3-4 बार हो चुका है कि डायरेक्टर के साथ कॉल हो गई है एंड देन कभी बजट नहीं वर्क किया कभी यू नो लुक नहीं वर्क कर रही कभी उनको मेरा बोलने का तरीका नहीं लगा कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो वो 3-4 बार हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने बोला शिट यार जिंदगी बर्बाद हो गई लाइफ खत्म हो गई शुरू से शुरू करते हैं पिक्चर की बात फाइटर हाउ डिड इट हैपन सो ब्रो इन अप्रैल 2022 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश छावड़ा कास्टिंग टीम दैट वी आर कास्टिंग फॉर अ फिल्म दे डिडंट टेल मी इट्स फाइटर एंड वी वांट टू ऑडिशन यू फॉर दैट And they told me it's the negative lead का villain का part है film. ठीक है. I was like okay I'll test. I gave the audition and अभी मेरे को हो गए थे 2022 में 4 साल हो गए थे बॉम्बे आए हुए तो मेरे को समझ आ गया था एक वो पैट्रिक वो रूटीन बन जाता है आपने ऑडिशन दिया then you forget about it. आएगा होना होगा नहीं होना होगा राइट अब मैंने ऑडिशन दिया उस टाइम पे मैं खुद भी कास्टिंग कर रहा था इस टाइम पे तो मैं ऑडिशन दे के अपने वापस काम पे लग गया अपना मॉडलिंग चल रही थी कास्टिंग चल रही थी फिर जून में आई थिंक मेरा बर्थडे होता है June 25th को उसके 6-7 days पहले मैंने अपना जॉब क्विट किया था कास्टिंग वाला एंड जॉब क्विट करने के 3 दिन बाद मुझे कॉल आया कि यार उनको ऑडिशन अच्छा लगा है दे वॉन्ट टू डू अनदर राउंड ऑफ ऑडिशन मैंने कहा कौन सा प्रोजेक्ट मतलब यार 2 महीने बाद इतने ऑडिशन दे दिए कुछ याद नहीं सो देन दे वर लाइक कि वही जो नेगेटिव था अभी भी नहीं बताया था फाइटर का है तो
तो मैं गया, वही सेम सीन हमने 6-7 वेरिएशंस में किया, एंड देन आई थिंक 10 दिन बाद आई गॉट अ कॉल सेइंग दैट दे हैव लाइक्ड योर वेरिएशंस एंड सिद्धार्थ सर वांट्स टू मीट यू. लाइक वो सिद्धार्थ आनंद, देन दे टोल्ड मी दैट इट्स फॉर फाइटर एंड आई लाइक वाओ, आर यू सीरियस? आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ एट फर्स्ट. मेरे को ऑनेस्टली लग ही नहीं रहा था, मतलब यू नो इट वॉज एन अनबिलीवेबल मोमेंट. एंड देन आई मेट सर, वी हैड अ इनिशियल मीटिंग, सर टोल्ड मी 10-15 दिन बाद वील मीट अगेन. इट वॉज आई थिंक एन आर लॉन्ग चैट. ही स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड ही टोल्ड मी दैट वील मीट आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स एंड इंक्रीज योर बॉडी साइज टिल देन. एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन टू बॉडी बिल्डिंग एंड मॉडलिंग के चक्कर में आई यूज टू नॉट ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स टू स्टे लीन. तो मैं 10 दिन में कुछ 4-5 किलो बढ़ा के चले गया एंड ही वॉज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय दैट. दैट्स व्हेन द कन्फर्मेशन हैपेंड. Right. And Hrithik ke saath that encounter, talk to us about that. Bro, that was phenomenal. मैं तो ज़्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग सेट पे ही मिले थे एंड आई लाइक अभी मूड से बाहर नहीं निकल रहा है. बट एक दो मिनट के लिए ना वो निकल ही गया था. मैंने उनको देखा और मेरे को था यार कैसे बात कर, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम राइट. इतने साल से उनकी फिल्म देख रहे हैं एंड इज बिन अ मेजर फिटनेस इंस्पिरेशन फॉर मी. बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ. आई वॉज लाइक कर लेंगे, अभी शूट खत्म होने दो, बात कर लेंगे. इनिशियल इंटरेक्शन वॉज जस्ट मी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एंड दैट्स अबाउट इट. देन थ्रू द शूट व्हेन वी वर डूइंग द एक्शन सीन्स एंड एवरीथिंग इट गॉट मोर लाइक द इंटरेक्शंस इंक्रीज. वी वर जोकिंग अ बिट विद ईच अदर ऑन सेट. इट वॉज ओवरऑल इट वॉज अमेजिंग ब्रो. इट वॉज आई वुड से जैसा मैंने इमेजिन किया था इट वॉज मच बेटर देन दैट. सिंक इन करने में कितना टाइम लगा? बिकॉज आई एम श्योर सेट पे हो और सामने ऋतिक रोशन एंड आप मेन विलन कर रहे हो. मतलब एक बारी मैं साइन हो गया था उसके बाद तो आई वाज गुड विद इट ब्रो. आई मीन आई वाज ऑल इन माय ओन कंफर्ट जोन एंड मतलब मुझे पता था कि आई एम गोना डू समथिंग गुड विद दिस. लाइक आई सेड व्हेन आई सॉ ऋतिक सर आई वाज अ लिटिल यार इनसे बात करनी है. I have to tell him, you know, how much he has been, how much impact has he had on my life and everything. But then, boy, I was controlling myself because my character was very demanding in terms of his mood and, you know, the aggression. And because shoot breaks mein ho raha tha, ek mahine hua, fir agla schedule 2-3 mahine baad. So it was very difficult to keep that intensity all the time. Abhi main and my acting coach had told me that, you know, try to speak as little as possible on shoot. तो वो हो रहा था बट आई वॉज लाइक नहीं यार अभी कंट्रोल, अभी जस्ट स्टे इन द मूड. वंस द शूट इज ओवर यू कैन ऑलवेज स्पीक टू हिम राइट. तो वो हुआ जब मैं उनसे शूट खत्म करने के बाद बात किया. ही इज अ स्वीट हार्ट यार. लाइक ही वॉज ऑल प्रेजेज. ही वॉज मोटिवेटिंग, सपोर्टिंग. सेट पे भी कुछ यू नो बिकॉज आई वॉज नर्वस व्हेन वी वर डूइंग द एक्शन सीन्स कि गलती से पंच लग ना जाए किसी को. एंड ही रिमूव दैट विद ईज. ही वाज लाइक तू अपना काम कर, you know, I'll manage. मेरे को डक करना है, मैं कर लूँगा. But just make sure you're doing your job well. It shouldn't look bad. Right. And that really put me at ease. Right. It was a very good experience working with him, to be honest. सबका रहता है ना कि मेरे को हीरो बनना है. Of course, as you said, it just happened. घर वालों का रहता है हमारा राजा बेटा है, ये तो हीरो की तरह ही देखते हैं. When you told them कि भाई विलन वाला मिला हुआ है, उसमें कुछ था कि अरे ये क्या कर रहे हो यार? No? नहीं, no, मैं और मेरे घर वाले भी think in the same direction when it comes to this, I think. उनको भी यही है कि हीरो विलन का कुछ नहीं है. अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा फिल्म, अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, अच्छी वेब सीरीज, अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए. एंड बस परफॉर्म अच्छा करो यार. एक्चुअली जिस चीज़ में खुशी मिल जाए, मेरे को ऐसे हीरो विलन पर्सनली भी कुछ नहीं है. हीरो भी बनेंगे आएंगे, हीरो बन के भी आएंगे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में. अभी स्टार्टेड ऑफ एज अ विलन तो क्योंकि वन थिंग दैट यू आस्क मी इन द बिगिनिंग व्हाट इज़ गुड अबाउट सोशल मीडिया राइट. सोशल मीडिया पे पीपल सी हु आई एम इन रियल लाइफ. लाइक यू नो दे सी दैट दिस फनी जॉयस बबली गाय लाफिंग मेकिंग पीपल लाफ एंड देन दे सी फाइटर. सो आई हैव कम फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी एंड आई हैव एन यू नो हैड दिस पर्सनैलिटी फॉर द फिल्म. सो आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन टू मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स. दैट इज समथिंग आई फील इज एन एडवांटेज बिकॉज यू नो रियल लाइफ में ऐसा हूँ एंड कैमरा के आगे इफ आई प्लेड दैट कैरेक्टर देन आई कैन गो इन एनी डायरेक्शन. पिक्चर पहली बार कहाँ थिएटर में देखी थी या स्क्रीनिंग पे देखी थी? स्क्रीनिंग पे देखी थी. क्या था, क्या आया था फर्स्ट थॉट मुझे आया था ना अपने आप को, मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था डबिंग करते हुए देखा था. ऑफ कोर्स. और क्योंकि मैं मॉडलिंग करते हुए आ रहा हूँ उसमें हमेशा सुंदर दिख रहे होते हैं और मैं डबिंग जब स्टार्ट की थी आई वाज डबिंग फ्रॉम दैट फाइनल वाला सीन, बैटल वाला सीन. उसमें खून लगा हुआ है, चोटी लगी हुई है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ यार मैं.
मुझे ही डरावना लग रहा है तो देन आई एम श्योर ऑडियंस विल ऑल्सो फील स्केर्ड लुकिंग एट द कैरेक्टर. तो दैट वॉज माई फर्स्ट फीलिंग. फिर अब मेरे को डबिंग के बाद ये नहीं पता था कि दैट फिल्म इज ओपनिंग विद माई सीन. वो देख के आओ लाइक अरे आर यू सीरियस ब्रो लेट्स गो राइट. दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग. आई वाज सो इट वाज अ बैग ऑफ मिक्स्ड इमोशन. आई वाज क्राइंग आल्सो. आई वाज फीलिंग हैप्पी. आई वाज लुकिंग एट माय पेरेंट्स एंड दे वर क्राइंग. वो दैट मेड मी फील सुपर प्राउड बिकॉज यार दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माय पेरेंट्स एंड टू बी एबल टू गिव देम दिस थिंग एंड दैट टू my first film being such a huge project that has done so well and my character is so big in the film. I mean touch wood bro, touch wood. I was just happy to see them. I'm sure aage abhi to bahut ye shuruaat hai, aage bahut kuch karne wale ho. Mujhe bolo casting ke dauran kya dekha, you know, un sab actors mein, main not as a casting director or whatever, jo ek insaan aata hai wo that bhook, you know, talk to us about that because there are a lot of people jo jinko aana hai wo karna hai. तो क्या दिखता था? मजबूरी दिखती थी? पैशन दिखता था? क्या दिखता था? वो पैशन, मजबूरी, शौक, सब आप मानोगे नहीं, हर तरह का इमोशन था. हर अलग एक्टर हर अलग इमोशन लेके आता था. एक दो बारी तो मेरे को जब मैं कास्टिंग कर रहा था ऑफिस में, आई डोंट रिमेंबर कौन थे एक्टर्स, उन्होंने आके बोला आप बस हमें कोई प्रोजेक्ट दिलवाओ, हम पैसे देने को तैयार है ना. लाइक भाई ऐसे नहीं होता. यू नो पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री. जिसको एक्टर बनना है कोई ज़बरदस्ती एक्टिंग करने में नहीं घुसता है. जिसको प्यार है एक्टिंग से वही करने आएगा एक्टिंग. सो पैशन तो ऑलमोस्ट सब में होता है. ऑल व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज ऑल ऑफ दीज इमोशंस, यूज देम, चैनलाइज देम इनटू मेकिंग योर सेल्फ प्रोडक्टिव, मेकिंग योर डे प्रोडक्टिव, लर्निंग न्यू थिंग्स. बिकॉज आप ऑडिशन देते रहो, चाहे आप ऑडिशन नहीं दे रहे हो, चाहे आपको मिल रहे हैं, चाहे आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको पार्ट तभी मिलेगा जब आपको मिलना होगा. और ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिशन दिया और आपको नहीं मिला तो आपकी एक्टिंग गंदी है. वही लक वाला फैक्टर, लुक वाला फैक्टर होता है, डायलेक्ट वाला फैक्टर, 500 चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे एक एक्टर का सिलेक्शन होता है. देयर वर थिंग्स, देयर वर रूमर्स कि भैया ये नया लड़का आया है, इसको इतनी बड़ी पिक्चर में मौका मिला बिकॉज ही इज इन्वेस्टेड सम मनी. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बुलशिट रूमर्स ब्रो. लाइक आई, अगर मुझे किसी पिक्चर में इन्वेस्ट करना होता, पहली बात तो सिद्धार्थ सर मेरे से पैसा लेके फिल्म क्यों बनाएंगे? कोई कमी नहीं है. वायाकॉम के पास कोई कमी नहीं है. वाई वुड ऋतिक रोशन बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट वेयर यू नो समवन इज पेड टू बिकम द मेन विलन? यस. मैं अगर बकवास परफॉर्मेंस कर देता फिल्म कहाँ जाती? सो इट्स सच अ बेसलेस रूमर. लाइक आई मीन लोगों को नहीं है काम आज की डेट में भाई, लोग बैठ के इंटरनेट पे यही कर रहे हैं. बट आपने उससे यू नो यू हैव कम टू टर्म्स विद इट कि यार ये तो आना ही है मेरे को, थोड़ा भाड़ में जाए ब्रो, लिटरली भाड़ में जाए. मेरे को क्या करना है? आई हैव प्रूव दैट आई गॉट द पार्ट बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क एंड पीपल हुव सीन द फिल्म दे लव्ड माय परफॉर्मेंस एंड नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय दैट फॉर यू. क्या बात है. तो जिसने भी ये रूमर फैलाया, आई रियली होप ब्रो यू गेट अ लाइफ, गेट अ जॉब एंड स्टॉप शिटिंग अराउंड. एब्सोल्युटली. ऋतिक रोशन के सामने खुद को खड़ा पाना और कंपैरिजन हो रहा है कि यार ये टक्कर का विलन आया. मेहनत बहुत की है मैंने इस फिल्म के लिए. मैंने बहुत मेहनत, मतलब एड़ी से चोटी जी जान लगा के जोर दे दिया था कि ये फिल्म में काम अच्छा हुआ मेरा. एंड आई थिंक उसी का रिजल्ट है दैट पीपल आर सेइंग, पीपल आर लविंग द परफॉर्मेंस सो मच. कंपैरिजन तो मतलब मैं नहीं कर सकता यार. ही इज लाइक गॉड फॉर मी मैन इन द इंडस्ट्री. ही इज टू गुड. बट जस्ट द वर्ड्स दैट पीपल आर सेइंग दैट टक्कर दे दी है. I'm blessed, bro. I would say, like, never in my wildest thoughts I had thought that I would be able to give a performance that is at par with Ritik Roshan's performance in my first film. Yeah. So, just thank you, God, thank you, universe. Lots of gratitude. I think wohi yahan tak leke aaya. Always, bro. Always. Huh? I have had this. So, like, when I told you about the time that I moved to Bombay. That time there was some really bad stuff going on. Mentally, I was not doing well in Delhi. So then at that time, I was watching a lot of self-help videos of, you know, David Goggins and all these motivational speakers on YouTube. Everyone had this one thing in common, and that was have the feeling of gratitude always. Exactly. And like, मैंने वो इतना सुन लिया ना कि मुझे अब मैं सिर्फ grateful रहता हूँ. I don't look at the stuff that I don't have, the stuff that I'm missing out on. I only focus on the things that I have and how can I make that better. Right.
तो ग्रैटिट्यूड के साथ जीना आई फील इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ. अगर एक मैं कहूं जैसे क्विंटेसेंशियल हीरो होता है ना, वैसी अगर कोई एक फिल्म थी कि यार मुझे अगर करना है तो इस टाइप की फिल्म करनी है, कौन सी होती? यार अभी मैं बोलूंगा मेरे को पद्मावत में रणवीर सिंह वाला कैरेक्टर बहुत पसंद था, बट देन अगेन दैट वाज द विलन इन दैट. समथिंग ग्रैंड ब्रो, मतलब लाइक व्हेन आई सॉ खिलजीज कैरेक्टर आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई वुड हैव लव्ड टू डू मैन, राइट? सो स्टफ लाइक दैट. एंड यू गॉट योर ओन खिलजी यार, यू गॉट योर ओन खिलजी, दैट्स गुड, है ना? गुड वे टू पुट इट, राइट? Right. Yeah. Maybe something like Game of Thrones. Right. Ooh. ये वही जा वही रहा है sir. So ultimate मतलब that is the ultimate show for me. I'm the biggest fan of Game of Thrones I think. तो मतलब that is something. In fact when Game of Thrones ended and they started with the prequel of Game of Thrones, right? I literally sent an email to the casting director. वो तो मैंने बहुत ही बच्चों जैसे ईमेल लिख के भेजा, प्लीज 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 कास्ट मी इन एनी पार्ट ऑफ दिस शो. बट अभी मैं उनको सीरियसली भी प्रोफाइल भेजूंगा आई एम श्योर यार. अब अगला जो हमारा यहाँ बातचीत या हमारी इंटरव्यू जो हमारा होगा उसमें हम बात कर रहे होंगे कि यार वहाँ क्या चल रहा है, जीओटी के बारे में थोड़ा और अंदर की बातें बताओ. अभी कमिंग बैक टू दिस फिल्म, कौन सी एक चीज थी जो लगा कि यार हाँ सेट पे जाके ना ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सीख ली? इस फिल्म में अगर मैं कुछ भूलूंगा तो वो एक्शन था, बिकॉज मेरी एक्शन की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई भी, एंड बिफोर द शूट ऑल्सो ऐसे कोई एज सच ट्रेनिंग हुई नहीं थी एक्शन की. तो जब मैं वो कर रहा था तो मैं अपने अंदाजे से अपनी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है वैसे कर रहा था. एंड एक्शन डायरेक्टर ने स्पेशली बोला मेरे को, लाइक ही टुक द माइक एंड ऑन सेट ही वॉज आस्किंग मी सबके सामने कि सर आपने सीखा है कहीं पे? लाइक नहीं सर, लाइक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने नहीं सीखा हुआ है कहीं पे. एक वो था जो मुझे एक्चुअली में लगा कि सीख सकते हो, ये चीज बहुत अच्छी तरह सीखी है मैंने, मतलब रियल लाइफ. फ्रॉम योर को-एक्टर्स फॉर इंस्टेंस ऋतिक या डिसिप्लिन, ऋतिक सर से आई वुड से डिसिप्लिन इज की, ही इज सो डिसिप्लिन एंड इट शोज यार द अमाउंट ऑफ फिटनेस, द लेवल ऑफ फिटनेस दैट ही हैज टिल डेट. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अभी फिट हुए हैं, वो 20 साल से फिट है. सो दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज आई वुड से कि मैंने उनसे सीखा है, विच इज की. लक की हमने बात की ऑफ कोर्स, उससे पहले हार्डवर्क की बात की, दैट यू ऑलरेडी पुट इन 120 किलो से नीचे क्या क्या त्याग करना पड़ता है? बिकॉज हम अगर 3 दिन भी सोच लें ना कि यार 3 दिन शुगर नहीं खाएंगे, वाट लग जाती है, क्या क्या छोड़ना पड़ा? ब्रो जब ही मैं पतला हो रहा था उस टाइम पे तो मैंने सभी छोड़ दिया था खाना. बेसिकली आई वेंट टू कॉलेज एंड दैट वॉज इन साउथ इंडिया. अभी मैं जब दिल्ली में रहता था मैं सिर्फ बर्गर्स, पिज्जा, छोले भटूरे, दाल मखनी, बटर चिकन, दिस वाज लिटरली दीज 6 थिंग्स वाज व्हाट आई यूज्ड टू ईट थ्रू आउट माय वीक. अब वहाँ पे कुछ था ही नहीं मेरे, वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ने गया था वहाँ पे CCD वाज दी ओनली नोन थिंग जो आपको पता होगी, वो भी इडली सांभर वगैरह वहाँ पे बेचते थे उसमें, तो वो बहुत ही लोकल CCD भी था. तो वहाँ गया, मेरा मोटिवेशन ही खत्म हो गया खाने का. मैं देख रहा हूँ मैं 10 दिन में मेरे 2 किलो अब 3 किलो अपने आप वेट कम हो गया है. और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे स्केल नीचे जा रहा था. तो मैंने कहा इसको मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि पता नहीं घर जाके फिर कितना खिला देंगे. तो पंजाबी फैमिली में वो होता था ना कि भाई पतला हो गया, कमजोर हो गया, खाते पीते कर रहा है. तो मैंने लिटरली खाना छोड़ दिया था वहाँ पे. एंड आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू लूज वेट, एंड आई डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स टू ट्राई इट ऑल्सो. But I lost around 61 kgs in 6 months. Yeah. 61 kgs in 6 months. So, मैं आपको एक incident बताता हूँ. मैं first semester में जुलाई में शुरू होता है and then October November type दिवाली में हम लोग घर आते हैं first time छुट्टी के लिए. तो मैं तभी हो गया था I think 78-75 kgs का. अब मेरे घर वाले देख के खुश हो गए कि bro ये क्या कर दिया तूने, तो best decision है तेको, हमने वहाँ कॉलेज के लिए भेज दिया. मैंने कहा हाँ ठीक है. फिर मैं 1.5 मंथ्स के लिए वापस कॉलेज गया, सेमेस्टर खत्म करके एग्जाम्स करके वापस आया. आई वॉज डाउन टू 59 kgs. और उस टाइम पे मेरे घर वाले घबरा गए ऑफ कोर्स कि भाई हो क्या गया इसको, लाइक डॉक्टर पे चल ये वो. बट आई वॉज जस्ट नॉट ईटिंग एट दैट टाइम. एंड व्हेन आई लॉस्ट ऑल दैट वेट एंड आई वॉज लाइक दैट फॉर अनदर 6 मंथ्स. एंड देन आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई वाज लाइक यार कोई भी हड़का के चले जाएगा पता है, कोई भी ऐसे साइड पे धक्का मार के चल जाएगा, हवा में उड़ता हुआ निकलूंगा मैं. तब मैंने फिर फिटनेस में घुसा, बॉडी बिल्डिंग शुरू की. फिर जब मैं वापस कॉलेज के बाद दिल्ली गया मैं बॉडी बिल्डिंग को और थोड़ा सीरियसली लिया. मैं आई यूज टू कम्पीट, मैंने एज अ फिटनेस मॉडल मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन किए. एंड वो करते करते ना अभी मेरे को आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं परपेचुअली बिन ऑन अ डाइट. मैं रोज ही वही खाता हूँ, चिकन चावल, मटन चावल, एग्स, पोटैटो, यही 4-5 चीज़ें खाता हूँ. एंड
इतना टाइम से कर रहा हूँ ना, नाउ फॉर मी माय बॉडी प्रोग्रेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्रेविंग्स. तो अब मुझे होती नहीं है क्रेविंग यार, टू बी ऑनेस्ट. मेरा मन ही नहीं करता मैं मीठा खाऊँ या मैं जंक खाऊँ. मैं खुश हूँ. टॉकिंग अबाउट दी अदर एक्टर्स, कौन कौन है जिसने इंस्पायर किया है या जिसकी जर्नी लगी कि यार? अल कपूर सर. वाओ यार, ही इज सो फिट स्टिल. लाइक ही गोज फॉर, ही हैज अ रियली स्ट्रिक्ट फिटनेस रिजीम एंड यू नो टू कैरी दैट एट दैट एज. लाइक ही डजंट लुक हिज एज फर्स्टली. इट लुक्स लाइक ही स्टॉप्ड एजिंग 30 इयर्स बैक. करेक्ट, एब्सोल्युटली. वही वही. एंड ही इज टू स्मार्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग ब्रो. Nicest, and that is something I would like to, you know, be. I would like to be like that if I reach that level, you know, in the future. Other than that, Karan Singh Grover was there, bro. He's also like a beast. His physique is damn nice. So it was like filled with inspiration throughout the film. Deepika is so fit, although I didn't shoot anything with her. So, but all these people are like. Like it was like a fitness factory going on in the film. Right. उसके बाद fighter के बाद ऐसा कुछ you got in touch with like हमारे जो A-listers हैं या कहीं से कहाँ कहाँ से compliments आए, प्यार मिला मेरे को पता है कुछ लोगों से? थोड़े थोड़े लोगों से मिला है bro. ज़्यादा तो लोगों के texts आए नहीं industry से. Out of the industry बहुत लोगों के texts आए हैं. आज भी मेरे को मतलब मेरा फोन बजना बंद नहीं होता है DMs में, Instagram पे message requests आती है. जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स, देव बिन रियली स्वीट, देव ऑल टेक्स्टेड मी, देव ऑल प्रेज द परफॉर्मेंस बिकॉज देव सीन मी ऑडिशन फॉर 6 years एंड देव सीन कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बेटर हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, बट जहाँ से स्टार्ट किया था उधर से तो बहुत ही अच्छा हो गया. सो देव सीन द जर्नी, देव बिन देयर. सो लॉट ऑफ कास्टिंग पीपल टेक्स्टेड मी, लॉट ऑफ को लाइक एक्टर्स, माई पियर्स, दे टेक्स्टेड मी. इट वॉज अ नाइस फीलिंग ब्रो. मोस्टली lots of people told me that, you know, it's such an inspiring thing to see you there because as an outsider it just gives us hope, right, that you know there's place for everyone. So that was nice. Overnight star kuch nahi hota hai na, logon ko lagta hai to raton raat ekdam wahan se wahan pahunch gaya. Ye aapne jo bataya 6 saal ka, iske piche mehnat hai. Struggle nahi bolunga because mehnat hai bro. Mere ko kabhi struggle lagi nahi bro. Mere ko struggle lagi nahi. आई वुड ऑलवेज, कोई भी बोलता था कि यार स्ट्रगल चल रही है, मैंने कहा ब्रो स्ट्रगल भी है तो ब्लेस्ड है. सब कुछ है भगवान की कृपा से, क्या टेंशन है. अब आगे क्या करना है? आगे और एक्टिंग करनी है ब्रो, और फिल्म्स करनी है, वेब सीरीज करनी है. अभी आई एम टॉकिंग टू पीपल फॉर यू नो न्यू प्रोजेक्ट्स, बट अभी बातें ही चल रही है ब्रो. बातें चल रही हैं, आई एम श्योर कुछ अच्छा होगा एंड देन वी विल बी बैक और उसके बाद और बड़ी सारी बातें करेंगे. एक जाते जाते सवाल, यू लव वॉचिंग क्रिकेट राइट? या या आई लव वॉचिंग क्रिकेट. आई लव्ड द होल ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप एक्सेप्ट फॉर द फाइनल. दिस ईयर आईपीएल इज सो एक्साइटिंग ब्रो. एवरी मैच इज गोइंग अबव 200 रन्स. एंड यार बड़ा सवाल चलता रहता है, किंग कोहली, रोहित शर्मा या धोनी, हु इज द ग्रेटेस्ट? आई फील धोनी हैज डन समथिंग व्हिच नो वन हैज एवर बीन एबल टू डू. हां, एंड इन टर्म्स ऑफ इफ यू टॉक अबाउट क्रिकेटिंग एबिलिटीज, आई फील विराट कोहली इज सुप्रीम. But if you talk about an overall player, I feel Dhoni has done magic here. I've not seen this happen for any other player. कि वो चेन्नई से खेलते हैं और वो मुंबई में मैच खेल रहे हैं और वो एंटर कर रहे हैं तो लोग धोनी 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 चिल्ला रहे हैं. I mean it's madness. That's amazing. I'm sure ऐसे ही यहाँ भी नाम लोग चिल्लाते रहेंगे. रेशभ रेशभ, thank you so much for talking to us. Thank you. And हम मिलेंगे दोबारा से जल्दी यार, अगली पिक्चर से पहले. बिल्कुल. Thank you so much. Cheers.